पहला दिन स्टार्ट हो गया है। जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है और टाइम हो रहा है हमारा चार बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट एक घंटे में मैं वाराणसी पहुंच जाऊंगा, तो वो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। सुबह हो गई है, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। कहाँ 2 बजे पहुंचने वाली थी, 5 बज गए, अभी तक नहीं पहुंची। 5:30 तक दिखा रहा है, देखिए 5:30 तक पहुंचती है, कितने बजे तक पहुंचती है। निकल के फिर थोड़ा वो नाश्ता वास्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर जाएंगे सेंटर के साइड। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वही अपन पहुंच गए वाराणसी सेंटर से, थोड़े से दूर है हमारा, 3 किलोमीटर है सेंटर, और कहते हैं 2 घंटे हमारे पास। रश वगैरह होता है, देखते हैं होटल वगैरह लेते हैं, अगर मिल जाता है सही रेट में 2-3 घंटे के लिए तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो भाई ये अब स्टेशन का रेस्टरूम, फ्रेश वगैरह होने के लिए, नहाने के लिए, और जिसमें नहाऊँगा मैं। और यहाँ देखो हमारा स्वागत किया गया इसके थ्रू, इसके द्वारा। भाई आते फट गई भैंस यहाँ पर, तो नहा धो के फिर निकलता हूँ। टाइम है नहीं, आधा 1 घंटा होता है बस हमारे पास पहुँचने के लिए वहाँ पे। जल्दी जल्दी नहाता हूँ फिर निकलता हूँ। तो भाई यहीं पर हमारा सेंटर थोड़ा आगे, और नाश्ते में दही खा रहा हूँ। यहाँ पे अंकल है यादव जी, इनसे भाई सुबह वहाँ तो भाई पूरी सब्ज़ी तो मैंने खाई नहीं, दही खा रहे हैं। और फिर निकलते हैं अपने सेंटर के लिए, टाइम थोड़ा बचा है अभी, देखते हैं और कुछ खाने को मिलता है ठंडा। तो भाई ये अपना सेंटर की पार्किंग, ये सेंटर का पीछे का एसी चल रहे हैं, शायद पता नहीं हमारे लिए चला रखे हैं किसके लिए। भाई तेरे सेंटर के लिए चला रखे भाई, और तो सारे थोड़ी चल रहे होंगे, डिजिट वाले में है ये OCBT। हमारे वाले में तो एक एसी दिख रहा, बस हमारे में तो मौत हो जाएगी, खेल हो जाएगा हमारे साथ। देखो भाई क्या होता है। भाई अपना हो गया है एग्ज़ाम, ये अपना सेंटर, अब निकल रहे हैं यहाँ से कुछ खाने के लिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई निकलते हम मिल पा रहे हैं, इसमें क्या है, आलू की सब्ज़ी और इसमें सोयाबीन है, पर ये पूड़ी पता नहीं कैसे इसकी पूड़ी है। भाई को तो सोयाबीन ही मिल रही है हर जगह। सोयाबीन है हर जगह। तो भाई खा खू के मैं निकलिया घाट के लिए, अब इतनी दूर आया हूँ तो भाई घाट तो देखूँगा ही, तो जा रहा हूँ घाट की साइड, देखते हैं कैसा होता है देखने में। भाई भी जा रहा हो, भाई कहाँ गया, अरे मेरा भाई, जो भाई जा रहा साथ में, जो भाई भी है, भाई की ट्रेन है। कितने बजे ट्रेन है तेरी, ट्रेन कितने बजे है? 2:50 की ट्रेन है और मेरी है 12 बजे। अब मेरे को लग रहा है मेरे को 2:50 की ले लेनी चाहिए थी। अब मैं 12 बजे तक क्या करूँगा, खाने का अलग खर्चा। चलो कोई नहीं, टेम्पल टूम्पल सब घूम डालूंगा, आ जाएंगे। चलो मिलते हैं तुम्हें घाट पे। भाई घाट पहुंच गए, कुछ ऐसा है देखने में, काफ़ी तो सूखा हुआ है, पीछे वो मिट्टी है। चलो काशी आए, बनारस आए, यहाँ नहीं घूमा तो क्या फायदा, हम तो घूम लिए भाई, एक ज्योतिर्लिंग हमारा पूरा होगा। हमारे पान भाई भी खाया, भाई एक हम खाएंगे मीठा पान। पनुआ खा, पनुआ
पान खा रहा, पान घाट भाई डुबकी भी लगा ली, नहा लिया भाई, हमारा गिरते गिरते बचा पानी में। बस अब नहा लिया, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा। भाई तो जा रहा है, भाई की तो 2:30 बजे की ट्रेन है, अपन देखते क्या करते हैं। तो भाई मैं तो नहाने के बाद फिर निकला था, तो गर्मी हो रही थी बहुत, पसीना आ रहा था, तो मैंने तो भाई ये ले लिया, लेमन सोडा बोलते हैं ना इसमें, वो भी उठा के कहता है, पुदीना वगैरह भी था, लेमन सोडा सोडा बस। तो दोस्तों उधर से आते हैं, उधर से घाट का है, जैसे घाट से आके इधर विश्वनाथ टेम्पल, अंदर बहुत सारे मंदिरों को ज्वाइंट कर दिया है, विश्वनाथ टेम्पल भी है बीच में, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर सबको ज्वाइंट कर देते थे, छोटा सा मंदिर ये है और ये बहुत सारे मंदिर है। तो मैं अंदर घूम आया हूँ, उधर अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, ना फ़ोन, ना वॉलेट, ना बैग, ना जूते, कुछ भी नहीं है, पर अच्छी बात भी है, नहीं होना चाहिए। तो अब जा रहा हूँ घाट पे वापस, ऑलमोस्ट टाइम कितना हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं ना, देख सकते हो 3:30 हो रहे हैं। तो अब चल रहे हैं घाट की तरफ और फिर वहीं पर थोड़ा रेस्ट करूँगा, लेट जाऊँगा वहीं पर, चादर मम्मी ने दिया है मेरे को तो उस पर लेट जाऊँगा और शाम तक आरती तक वेट करूँगा, मिलता हूँ थोड़ी देर फिर। तो भैया ठंड होते हैं, ये अपोजिट साइड आज जा रहे हैं, अपोजिट साइड जा रहे हैं, ज़्यादा दिमाग दिया भगवान जी ने। चलो पूछता हूँ आपसे घाट पे। तो दोस्तों ये घाट है, यहाँ से रास्ता है विश्वनाथ टेम्पल का, और जैसे आप इधर टर्न हो गया हल्का सा तो वहाँ मणिकर्णी का घाट, जहाँ पे बोलते हैं पब्लिक को बैठना चाहिए, हम जैसे स्टूडेंट्स को बैठना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में मेहनत के अलावा, किसी को जलाया जाता है किसी और की मेहनत के द्वारा, क्या ही है यार। आरती की प्रिपरेशन हो रही है, सही लग रहा है भाई, मतलब मेरी फर्स्ट आरती है, मैंने हरिद्वार की भी देखी, ऋषि की भी देखी, सीधा वाराणसी काशी की, कितना लकी हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा। और वेदर देखो 5:30 बज रहे हैं, इस टाइम भी वेदर ऐसा हो। आरती देखने के लिए पब्लिक देखो कितनी हो रही है, लाखों लोग आए हैं। अब बताओ यहाँ किस चीज़ की सेफ्टी है, कोई सेफ्टी है यहाँ पे नहीं है, क्या फायदा भाई, विश्वास के ऊपर होती है चीज़ें। अब छोड़ो क्या मैं पॉलिटिक्स बता रहा हूँ, कोई नहीं, जैसा भी है सब सही है। ये चीज़ नहीं देखी थी बस मैंने, ये भी देखने को मिल गई, होते ना क्या कहते हैं अघोरी बाबा, ऐसा तो कुछ है, और इतनी लंबा संघ हो जा रहे थे बहुत देर। तो आरती शुरू हो गई है, और भाई यहाँ पे 3 तरीके से आरती होती है, एक तो ये धूमबत्ती या अगरबत्ती जो भी होता है उससे, फिर इसके बाद ये भगूत वगैरह भी जो होती है, जैसे साउथ में नहीं हो, साउथ असम वगैरह में जैसे होता है, उसमें नेगेटिविटी के लिए जो होती है ये वैसा कुछ होता है, उसमें हवा होती है, मतलब हुआ एक ही आग, आग से इससे पहले होते हैं दियो, दिए नीचे रखे हैं उसके लिए शूट करना, वो भी बड़ा अच्छा लगा देखने में, तो मन करा ही शूट करना, 3-4 तरीके से होती है, और एक बार होता है तो
ये होता है वैसे वो सिकलो का कुछ होता है ना, जिसमें ये वाइट सा कुछ होता है, मेरे को पता नहीं होता वो, अगर आपको पता हुआ तो कमेंट करके बताना। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें से आरती ले ली, निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, कहीं जल्दी आ गई ट्रेन और मैं ही लेट हो गया। मैं एक्सप्रेस है तो जल्दी भी आ सकती है, तो निकल रहा हूँ अब, कुछ खाने के लिए पैक कराऊंगा पहले, फिर देखते हैं क्या मिलता है, ऑटो रिक्शा या पैदल 3 किलोमीटर देखते क्या होता है। तो भाई रिक्शा तो मिल नहीं रहा, बहुत भीड़ हो रही है, पीछे अटके पड़े, मैं पैदल पैदल आगे आ गया, अब आगे देखता हूँ रिक्शा मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा तो यार 2 किलोमीटर है, मैं पैदल ही चले जाऊँगा, कोई इतनी बकचोदी करनी नहीं, सॉरी अब शब्द के लिए, मगर वीडियो में तो नहीं बोलता मैं, वैसे तो बोलता हूँ, दोस्त यारों में चल जाती है। तो भाई जा रहा हूँ भाई पैदल, देखते अगर रिक्शा मिलता है स्टेशन के लिए तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। तो भाई ऐसा कुछ खाना है रेलवे का जो रेस्टोरेंट होता है, तो देखते कैसा कैसा टेस्ट है इन सब में और बताते हैं खाने का आपको। तो दोस्तों खाना तो खा लिया और ठीक ही था, मतलब पनीर थोड़ा मीठा था और छोले वगैरह थे वो भी ठीक ही थे, मतलब खाना तो ठीक ठीक था, इतना खास खाना था, काम भी हो गया शायद, ये हो रहा है मतलब क्या करते हैं बॉडी जो रिलीफ नहीं मिल रहा ना बॉडी का, तो इसलिए एक नाक से पानी पानी आ रहा है, बॉडी बहुत रेस्ट तो बॉडी ने किया ही नहीं, दो दिन से सही से सोया नहीं, आज भी देखते हैं ट्रेन में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वेटिंग में थी मेरी सीट तो कन्फर्म हुई नहीं, तो देखते क्या होता है, मिलता हूँ थोड़ी देर में, सुबह ही मिलूंगा अगर मेरे को नींद आ गई तो, देखते क्या होता है, बने रहे हमारे साथ इसी ब्लॉग में, कुछ देर में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया और खाना ठीक था, 205 रुपये की थाली थी और रायता और नचेता रायता खानी, तो उसने मुझे दाल दे दी और उसमें सिर्फ दाल ही ज़्यादा अच्छी थी, छोले भी अच्छे थे, पनीर भाई भाई याद, मतलब टमाटर की प्योरी बना के उसमें दही वो डाल रखे थे पनीर, मिक्स वेज भी ठीक थी, मैं मिक्स वेज के नाम पे उसने बैगन हो रही पता नहीं क्या क्या उसमें डाल रखा था, ट्रेन में आते होता है, और बिरयानी थी वेज बिरयानी और 3 रोटी थी, रोटी हमारे घर में पूड़ियाँ बनती इतनी छोटी छोटी, ऐसा था। तो अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, ट्रेन आने वाली है कुछ मिनटों में, तो देखता हूँ मेरी टिकट जो है वेटिंग लिस्ट की है, तो टीटी से बोल के कुछ कंफर्म वगैरह करा दो मिल जाती है, तो देखते भाई अपनी ट्रेन आ गई है, देखते अपने किस्मत में क्या होता है, क्या आज हमें सीट मिलेगी, कमेंट ने बताया यस कि नो, आंसर आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, तो उसके बाद मतलब ट्रेन आने के बाद एक तो स्लीपर में बहुत भीड़ हो रही थी, मेरे को सीट मिल गई थी क्योंकि टीटी आया था, तो टीटी को पैसे दे देते थे तो मेरे को सीट मिल गई थी, तो भाई उसके बाद मैं सो गया और सुबह नींद खुली थी, फिर मैंने सोचा अब क्या व्लॉग बनाना, तो मैं सोचा बस वहीं पर एंड कर दूंगा, मगर वहाँ एंड कर नहीं पाया, फिर घर आ गया था भाई बहुत थक रहा था, तो फिर मैंने मेट्रो ले ली थी, कहते हैं एयरपोर्ट लाइन मेट्रो से आया था, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और फिर उसके बाद फिर बाइक पे दोस्त आ गया था, दोस्त के साथ फिर मैं घर आया, रास्ते में जूस पी लिया था, घर पे आके मस्त खाना वाना खा के सो गया, और मैं ऑलमोस्ट 4 बजे सोया था रात, मतलब दोपहर में 4 बजे, और मैं आज सुबह मतलब 1 तारीख को सुबह उठा हूँ कितने बजे 8 बजे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 8 और 12 20 घंटे सोया हूँ मैं, मेरे को इतनी थकान हो रही थी, और अभी भी जुकाम हो गया क्योंकि इतनी गर्मी में से आया, फिर मैं एसी में ही सो रहा हूँ 20 घंटे से, तो बहुत वो हो गई थी, जुकाम वगैरह हो गया, तो यही था व्लॉग। और भाई मेरे अकॉर्डिंग भाई एक चीज़ है, अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना आउट ऑफ स्टेशन, तो दोनों टाइप
साइड की अगर रिजर्वेशन है आपके पास तो ही आप जाना, वरना मत जाना भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत। मेरे को टीटी ने पकड़ लिया, फिर टीटी को बोला भाई मेरे को टिकट ही दे दे, फिर टिकट दी उसने भाई, बड़ा गंदा सीन होता, बहुत गंदा। मतलब टीटी आने से पहले तो भाई बहुत गंदा होता, क्योंकि स्लीपर में जनरल वाले भी घुसे हुए थे। तो फिर मैंने उसको बोला भाई वेटिंग लिस्ट किया है, तो उसने फिर वो सीट वगैरह वो दी भाई, बड़ा गंदा सीन था। बात कराई एसओ से, सीआईटी से बात कराई, तब जाके सीट मिली, नहीं तो भाई बैंड बज जाती। फिर जनरल में वो जैसे पब्लिक्स हो गई नहीं आती, मतलब वो लेट के आती है वैसे, ऐसे आता है तो जनरल में आता, बड़ा गंदा सीन है। तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई अगर आप जा रहे हो कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ सिटी, तो दोनों साइड के आपका रिजर्वेशन कंफर्म है, कंफर्म ठीक है, तो ही आप जाना एग्जाम देने, वरना मत जाना, बैंड बज जाएगी। मैंने तो सोच लिया भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं है एग्जाम देने बाहर। अगर ये वैसे तो एग्जाम अच्छा गया है, मैं ऑलमोस्ट 145 करके आया था, मैं 145 या 140 क्वेश्चंस करके आया था, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को ना रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी और मैंने कभी सीपीओ का एग्जाम दिया, मॉक दिया नहीं है, तो 50 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद से जब मैं मैथ्स में की, तो मैथ्स में मैंने आधे ही मैथ्स किया होगा, आधा मैथ्स मतलब ऑलमोस्ट मैं 35-36 के आसपास पढ़ रहा था, मैंने टाइम देखा था, मेरे पास टाइम था नहीं, तो फिर मैं इंग्लिश पे शिफ्ट हो गया, इंग्लिश करी, फिर रीजनिंग कर वो जीएस करा, फिर थोड़ा लास्ट में मेरे पास 7-8 मिनट बचे थे, जब जाके फिर मैंने मैथ्स करी, तो ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए थे, मतलब 50 के आसपास क्वेश्चंस मेरे बच गए, क्योंकि इंग्लिश में और जीएस दोनों को मिला के मेरे ऑलमोस्ट 50 के आसपास मेरे क्वेश्चंस बच गए थे। तो अब देखते हैं कितने सही हैं, क्योंकि गलत नहीं करे एक भी, पहले होता था कि गलत गलत कर दिए हैं, तुक्का मार दिया, अब नहीं, इस बार मैंने तुक्का एक भी नहीं मारा, सारे बस जो आंसर आते थे वही करे। तो देखते हैं क्या कट ऑफ आती है, क्लियर होता है नहीं होता है। अब 135 या 140 के आसपास करे हैं, तो अब मुश्किल ही लग रहा है अब होगा कि नहीं होगा, तो एक आध तो क्वेश्चन गलत हो गई। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना स्टडी व्लॉग जो हमेशा डालता हूँ मैं, मे बी थर्सडे को डालूंगा, थर्सडे या फ्राइडे को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। अगर आप रात को देख रहे हो तो, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और पढ़ने पे ध्यान दो।